सुप्रभात बच्चों, आज हम देखेंगे क्या देखेंगे हम लोग। पहले तो हम कौन से स्कूल के विद्यार्थी हैं? नंदछाया विद्यानिकेतन। नंदछाया विद्यानिकेतन। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? सब्जियों के नाम। क्या देखने वाले हैं हम? सब्जियों के नाम। सब्जियों के नाम तो देखते हैं कि कौन सा सब्जी है जो सभी को पसंद है। मुझे ऐसे लगता है पसंद है या नहीं पसंद है? हाँ, तो ये सब्जी का नाम क्या है? आलू। क्या है सब्जी का नाम? आलू। चलो दूसरी सब्जी देखते हैं। हाय हाय, ये किसी लेडी का हाथ है लगता है। तो हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेडी फिंगर। और हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको? भिंडी। क्या बोलेंगे हम इसको? भिंडी। सही बात है। अगला चित्र और अगली सब्जी। हाय हाय, लाल लाल है ये, कुछ तो लाल कलर का। अच्छा भी हम लोग खाते हैं इसको, मजेदार है। तो ये सब इसको क्या हम बोलेंगे? टमाटर। टमाटर, टमाटर। हम इसको क्या बोलेंगे? टमाटर। चलो अगला देखेंगे। हाय, इसको हम है ना कभी नॉनवेज में भी खाते हैं, कभी इसका कोशिमीर भी बनाते हैं, कभी कच्चा भी खाते हैं। तो ये इसका नाम क्या होगा? मूली। क्या होगा इसका नाम? मूली। मराठी का मूली नहीं, हाँ मूली नहीं, मूली नहीं, मूली। तो हिंदी में हम इसको मूली बोलते हैं। तो हम लोग सोचते रहेंगे यार टीचर मराठी में भी है ना मूली। नहीं नहीं, ये मूली, ये खाने वाली मूली, वो खाने वाली मूली नहीं है। अगला। हाय हाय, इसका हलवा बनाया जाता है, बहुत टेस्टी होता है। क्या है ये? कौन सा है ये? बराबर पहचाना, ये है गाजर। क्या है ये? गाजर। बहुत कच्चा तो अच्छा ही लगता है, पर इसका हलवा बनता है ना और भी अच्छा लगता है, है ना? आपको भी अच्छा लगता है हलवा? मस्त लगेगा गाजर का हलवा, इसको खींच के हम लोग खा सकते हैं ना। अगला देखते हैं। हाय, कितनी मोटी है ये सब्जी, की नाम क्या है? ये सब्जी का नाम है बैगन। ये सब्जी का क्या नाम है? बैगन। इसका क्या बनाया जाता है? भरता। इसका क्या बनाया जाता है? भरता। और ये सब्जी का नाम क्या है? बैगन। और भरता में क्या क्या आ जाता है? प्याज आता है, टमाटर आता है, बहुत सारे मसाले आते हैं ना, और बहुत टेस्टी बनता है। हम लोग चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं ना। तो ये सब्जी का नाम क्या है? बैगन। अगला देखते हैं। इस सब्जी का नाम क्या है? फूलों की तारों का है ना, फूल जैसे दिखता है, तो इसका नाम फूलों जैसा ही रहेगा। हाँ, इसका नाम क्या है? फूलगोभी। ये दिखता कैसा है? फूल की तरह। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फूलगोभी। इसका हम पकोड़े भी बनाते हैं, कभी कभी फ्राई करके खाते हैं ना, पर बच्चों को तो नहीं पसंद है जब सब्जी बनती है, पर पकोड़ा बनता है तभी अच्छा लगता है फूल गोभी ना। अगली सब्जी। हाय, ये तो हम लोग हर रोज खाते हैं ऐसे मुझे लगता है। क्या है ये सब्जी का नाम? पत्ता गोभी। कहाँ खाते होगे ये सब्जी पता है? आप लोग सब लोग चाइनीज स्टॉल पे जाते हैं, भेल दे दो आंटी, भेल दे दो, तो इस पे रहता है ना पत्ता गोभी, उसके अंदर मिक्स होता है। मंचूरियन खाते हो तभी रहता है, सारे चाइनीज आइटम में होता है ना। पर अभी हम लोग चाइनीज का ऐप तो यूज़ नहीं करते हैं, तो लीव इट, हम लोग वो बात नहीं करेंगे। पर ये अपना सब्जी इंडियन ही है ना, पर ये हम लोग इसको ऐसे भी चाइनीज मटेरियल बोलते हैं, पर हम लोग इंडियन नहीं बनाते हैं ना, तो कहाँ का चाइनीज हो गया, हम लोग का इंडियन ही है वो। इंडियन का तड़का डाल के
हाय ये सब्जी तो किसी को नहीं पसंद होगी ना, सब लोग मुंह बना रहे रहेंगे। पर ये सब्जी का नाम क्या होगा? करेला। पर करेला सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसको खाना चाहिए, इसका जूस पीना चाहिए, आपकी सेहत बहुत अच्छी से रहेगी। आप लोग फ्राई करके भी खा सकते हैं तो और अच्छा लगेगा, पर मुंह मत बनाइए। हाँ सब लोग, इस सब्जी का नाम क्या है? करेला। ये सब्जी का नाम क्या है? करेला। अगली, ये तो सभी जगह पे आ जाती है, सभी के अंदर घुस जाती है, सभी खाने के मटेरियल में रहती है, तो ये इसका क्या नाम रहेगा? प्याज। ये तो सभी खाने का राजा है, सभी में आ जाती है, सभी में एडजस्ट हो जाती है, तो इसका नाम क्या है? प्याज। आपको पसंद है प्याज? किसी को पसंद रहेगा, किसी को नहीं रहेगा, तो कोई बात नहीं है, पर टेस्टी, सबसे ज्यादा टेस्ट इसी में आ जाती है, तो यही अपना खाने को टेस्ट बना देता है, तो इस सब्जी इसका नाम क्या होगा? प्याज। अगला, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड द यूट्यूबर्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद आप मेरा वीडियो देखने के लिए, आप मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल को, एंड थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन।